नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल और वनकम। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर ऑल डूइंग अमेजिंगली फाइन। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग ये इतना जल्दी में क्यों है, क्योंकि ये वीडियो बनाने मुझे बहुत टाइम लगा एंड आई एम सो एक्साइटेड टू एक्सप्रेस इट टू यू गाइज एंड ऑल द स्मॉल अदर थिंग्स विच आई लर्न फ्रॉम दिस जर्नी। ओके, आई डोंट नो वेयर टू आई स्टार्ट, बट बिफोर दैट अ स्मॉल इंट्रो फॉर ऑल दोज हु हैव कम टू माई चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। My name is Amit Naik. I'm a travel vlogger. I travel across India, pull out best stories for you and show you the beauty of this country. So without making further ado, let me tell you where the place I was. I went to Gajapati district in Odisha, in a tiny village called Kashinaga, and there I witnessed something which I am really excited to share it with you guys. In saal mein ek baar ek puja hota hai wahan pe, aur इस पूजे में ना कोई पुरुष ना कोई स्त्री पुजारी बनता है, बट एक किन्नर उसकी पूजा करता है। या हिजरा कम्युनिटी से एक बंदा, अ ट्रांसजेंडर, एक 5 डेज किन्नर को बुला के उससे पूजा करवाते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। गांव का हर फैमिली उसका पैर धोता है और उसकी आशीर्वाद लेता है। कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि ऐसे कहीं मतलब देखने नहीं मिलता है। ये ऐसा एक फेस्टिवल है जहाँ पर कोई भी वर्ण अलग अलग नहीं, सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। दिस फेस्टिवल इज़ मोर ऑफ इन टुगेदरनेस इन अ पर्टिकुलर विलेज, जहाँ पे कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं। यहाँ पे हर कोई आके मिलके ये पूजा करता है एंड ये बहुत सालों से ये चली आ रही है। सो आइए जानते हैं इनके बारे में बड़े विस्तार से। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जो ये 5 डेज में जो भी सीखा स्लोली मैं आपको बिट बाय बिट, और 5 डे मैंने सीखा कि आपको बताता हूँ। जो आप देख रहे हो मेरे सामने जो लाल कलर जो नीचे लगाया जाता है, इसे गेरू कहते हैं, और इसके ऊपर रंगोली लगाया जाता है ताकि जब उनके स्वागत करें इवनिंग के टाइम पे, कहते हैं कि भगवान का दर्शन, ये लोग मूर्ति लेके घर घर जाता है। सो उससे पहले गेरू के ऊपर रंगोली लगाया जाता है एंड रंगोली के ऊपर पायदान के ऊपर कॉपर का एक पॉट रखा जाता है जिसमें हल्दी पानी होता है एंड उसके ऊपर कोकोनट रखा जाता है। साथ ही साथ एक दिया होता है और हल्दी का एक बहुत बड़ा कलश होता है, जो जब भी वो किन्नर आता है इनके घर के सामने, सो ये उनकी पैर धो के, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। सो विस्तार में और बताना चाहूँगा। सो राइट नाउ ये छोटा सा ग्लिम्स आप देख ही रहे हो कि रंगोली होने के बाद एक पायदान रखा है, दिया एंड कोकोनट कॉपर के ऊपर है, और टर्मरिक वाटर जो उनके पैर धोने के लिए। सो बस इंतज़ार है इन लोगों का, कब आएंगे ये। हाँ, फाइनली दर्शन तो हो गए कि माता आ गई है। सो यही कहना चाहूँगा कि द गॉडेस इज हियर अलॉन्ग विथ 5 ऑफ आवर डिसाइपल्स एंड अ ट्रांसजेंडर डांसिंग टेकिंग द लीड टू ईच एंड एवरी हाउस एंड एवरीवन आर जस्ट वेटिंग फॉर देम सो दैट दे कुड गेट अ ग्लांस ऑफ देम। एंड जो ये 5 गर्ल्स है, इनके भी पॉट में पानी होता है एंड ये घर घर जाके। सो हियर इज़ अ शॉर्ट ग्लांस ऑफ द ट्रांसजेंडर डांसिंग एंड इनवाइटिंग ऑल दोज पीपल ऑफ दोज विलेजेस टू द temple where they'll perform puja on the very first night. They'll continue this for the next 5 days. Isn't that amazing? अगर ये अगर all over India हो कि as a third gender को इतना respect मिले, तो शायद हम लोग बहुत आगे जाएंगे। सो ये सब इतना इम्पोर्टेंट एंड मैं इसलिए एक्साइटेड था क्योंकि ये चीज़ मैंने कहीं देखा नहीं है। लाइक मेरे लिए पहली बार है। यूजुअली हमारे मन में होता है कोई पुजारी पूजा करता है या फिर घर की कोई माता, लाइक घर की कोई बड़ी स्त्री वही पूजा करती है, बट जब पहली बार ऐसा कुछ देखता है कि कोई थर्ड जेंडर को ला के उसे उतना सम्मान दिया जाता है, गाँव का छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा हर कोई उन्हीं की तरह तैयार होके लोगों को बोलता है कि यार एक बार इनकी तरह जी के देखते, और मतलब अपने साफ दिल से लोगों को ब्लेसिंग देंगे, साफ दिल से लाइक गाँव के जो भी हर किसी का भलाई चाहेंगे, कोई बिना खाली पेट ना सोए, ये सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है। जब मैं वहाँ पे विटनेस कर रहा था ना यार, मज़ा आ गया।